निगेटिव थॉट्स को खत्म करना सीखो, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। क्या होता है कि कुछ घटना हो जाती है, कोई कुछ आदमी हमको कुछ बोल देता है, ब्रेकअप हो जाता है, कोई छोड़ देता है, कहीं नुकसान होता है, कोई डर लगता है, और फिर वो थॉट्स बार 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 हमारे दिमाग में आते रहते हैं। वो इतना वो विशेष साइकिल है कि वो इतने बार 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 आते रहते कि बाकी कुछ सूझता नहीं है। इमोशन भी वैसा एक डरावना सा हो जाता है, इमोशन एक्सपीरियंस भी ठीक नहीं रहता है, और फिर क्या होता है कि एक निगेटिव थॉट्स उसके साथ में निगेटिव इमोशन, फिर और निगेटिव थॉट्स, तो ऐसे चक्कर में यदि फंस गए तो थॉट्स निगेटिव आते रहते हैं, उससे इमोशन भी निगेटिव आता है, उसमें कुछ सोल्यूशन मिलने वाला है नहीं। जो आपको बार बार याद आ रहा था उसको याद करते रहते हैं, क्योंकि पास में तो मैंने कहा वह घटना घटी हुई, वो थोड़ी मैं याद कर रहा हूं आज, जो घटना के बारे में मैंने याद किया था वो बार बार आती, और फिर वो आप नेचुरली ना आने देना, जानबूझ के लाना, जब आप अच्छे फील कर रहे हो तब लाना, और तब सोचना कि अभी मैं इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकता। तो आप अच्छे कंडीशन में, अच्छे मूड में, फील गुड कंडीशन में उसके बारे में सोचेंगे, कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि अभी वो प्रॉब्लम को डील करने वाला व्यक्ति अलग है, ना कि वो अंदर घुसा हुआ व्यक्ति है। तो याद करेंगे तो डेफिनेटली आपके नेगेटिव थॉट्स को आप खत्म कर पाएंगे या उसको हैंडल कर सकेंगे और आप पावरफुल बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।